अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स आज मैं टेंस में आपको आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस की चार मेन काइंड्स जो हम पास टेंस और प्रेजेंट टेंस को पिछली वीडियो में मैं कवर कर चुकी हूँ फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के कुछ रूल्स हैं वो रूल्स क्या हैं वो लेट्स डिस्कस दैम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी जैसे कि स्पीक रीड राइट और ये याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ज़रूर होता है और विल और शल के साथ विल एंड शल के साथ विल इस्तेमाल होगा ही शी इट यू दे के साथ सिंगुलर एंड प्लोरल नाउन्स के साथ शल इस्तेमाल होगा ओनली एंड ओनली विद आई एंड वी ये याद रखिए शल श्योरिटी को ज़ाहिर करता है टू एम्फसाइज़ समथिंग कि मैं ज़रूर आऊँगी आई शल गो टू सेमिनार टमोरो तो शल इसका मतलब है मैं ज़रूर आऊँगी और शल रिप्लेस हो सकता है विल के साथ भी अगर मैं नहीं शोर हूँ तो वी कैन यूज़ शल एट द प्लेस ऑफ़ विल एंड वी कैन यूज़ विल एट द प्लेस ऑफ शल तो बोथ कैन बी यूज एट एनअर्स प्लेस एग्जाम्पल है ही विल क्वालिफाई द रिटर्न एग्ज़ैम वो रिटर्न एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा आई विल क्वालिफ़ाई द रिटर्न एग्जाम आई शल विन दैच नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे ही विल नॉट ही शल नॉट याद रखिए विल नॉट और शल नॉट इस्तेमाल होंगे नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ही विल नॉट क्वालिफ़ाई दी रिटन एग्जाम ही विल नॉट आई शल नॉट क्वालिफाई द रिटन एग्जाम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होती है हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शेल भी इस्तेमाल होते हैं विल बी एंड शेल बी विल विल बी इस्तेमाल होगा ही शी इट यू दे सिंगुलर एंड प्लोरल नाउंस के साथ और शेल बी इस्तेमाल होगा ओनली विथ आई एंड वी याद रखिए प्रेजेंट इन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की तरह शेल बी सिर्फ इस्तेमाल होगा आई एंड वी के साथ ही विल बी गोइंग टू कॉलेज ही विल बी गोइंग टू कॉलेज वो कॉलेज जा रहा होगा ही विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज वो कॉलेज नहीं जा रहा होगा विल ही बी गोइंग टू कॉलेज तो क्या वो कॉलेज जा रहा होगा तो देखिए इसमें ज़रा रूल्स को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल और विल के साथ नॉट इस्तेमाल हुआ है टू कन्वर्ट इट इन टू नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया इस्तेमाल हुआ है विल ही बी

दे ही विल हैव और शल हैव इस्तेमाल होते हैं ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम हीव रीच देश ही हैव रीच देशन ऑन टाइम सो दिस इज अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है दिस इज़ दी रूल नंबर वन सेकेंडली हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो विल हैव बीन और शेल हैव बीन इस्तेमाल होते हैं विल हैव बीन इस्तेमाल होते हैं ही शी इट यू दे सिंगुलर एंड प्लुरल नाउंस के साथ शेल हैव बीन इस्तेमाल होता है ओनली विद आई एंड वी याद रखिए टाइम इंडिकेशन फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है इसमें सिंस एंड फॉर दोनों इस्तेमाल होते हैं जगहों पर ही विल हैव बीन यूजिंग जोंग नेटवर्क सिंस मनी ईयर्स वो पिछले बहुत सारे सालों से जोंग नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा होगा विल हैव बीन ही विल नॉट हैव बीन यूजिंग जोंग नैटवर्क सिंस मैनी ईयर्स विल ही हैव बी यूजिंग जोंग नैटवर्क सिंस मैनी ईयर्स सो दिस इज अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होप फ्रेंड्स आपको टेंसेस आपने समझे होंगे आपने एग्जांपल्स को देखा होगा मज़ीद आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगे और फ्रेंड्स होप कि आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अगर फिर भी आपको मेरा कोई टॉपिक नहीं समझ में आया काइंडली मुझे आप कोशिश करूँगी कि मैं आपको मैसेज के थ्रू एक्सप्लें करूँ तो आप मेरी अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स